गुड मॉर्निंग, जय जय श्री राम दोस्तों। तो ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड का आज हमारा हो चुका है डे 264 और कल रात हम बाघा बॉर्डर जा रहे थे लेकिन पहुंच नहीं पाए, तो एक गुरुद्वारा था वहीं पे रुक गए। तो कपड़ा वपड़ा भी सुखा लिया, सब कुछ रेडी कर लिया है, यहाँ पे रुके हुए थे और यहाँ पे थे अंकल जी। तो चलते हैं अब बाघा बॉर्डर की ओर। ठीक है अंकल जी, चलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। देखते हैं इधर से कुछ किलोमीटर है उधर जाने के बाद कितना देर के बाद प्रोग्राम ख़त्म होगा। अगर ज़्यादा देर होगा तो फिर इधर ही आना पड़ेगा, अंकल जी ने बोला है, कोई बात नहीं। तो चलिए जय श्री राम, चलते हैं। निकलते के साथ बारिश शुरू हो गया है। ये हमारे पीछे था गुरुद्वारा जहाँ पे रुके थे, खेतों के बीच में, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है और इस तरह का ग्रीनरी वाला अच्छा माहौल है, देख सकते हैं। तो हम आज आपको दिखाने वाले हैं पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान। तो चलिए चलते हैं बाघा बॉर्डर, देखते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूँ भारत पाकिस्तान सीमा लाहौर। ये देखो सामने बोर्ड आपको दिख रहा है, भारत पाकिस्तान सीमा लाहौर। ओह, लाहौर कुछ ही दूर है यहाँ से, 20 किलोमीटर के आसपास में है पाकिस्तान का लाहौर मेन डिस्ट्रिक्ट। और ये हम जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए बॉर्डर, पहुंच चुके हैं अटारी बाघा बॉर्डर पे और आपको दिखाते हैं। एक तरफ है पाकिस्तान का झंडा और एक तरफ है हिंदुस्तान का झंडा। सामने देखिए, सामने एंट्री हो रहा है, सारे लोग अंदर जा रहे हैं, तो इस प्रकार से हम भी जाएंगे। यहाँ पे लगता है लंबा लाइन लगा हुआ है, शायद लाइन में ही लग के जाना पड़ेगा, क्या चीज़ है। ओ अच्छा, लाइन लगा हुआ है लंबा लंबा, तो लाइन में ही लगना पड़ेगा। तो मैं अपना पूरा बैग लेकर के अंदर आ गया था लेकिन बैग कर को जमा करना पड़ गया, अब यहाँ पे उसका चार्ज भी लग गया, पता रहता तो बाहर ही रखते, कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा दूर और है, फिर से लाइन में लगना पड़ गया है। फाइनली अंदर में आ चुके हैं और इस प्रकार का सीन है अभी, और मेन बॉर्डर पर अभी जाना बाकी है। ऊपर है इंडियन फ्लैग और सामने है पाकिस्तान का फ्लैग, वो बिल्डिंग के पीछे अभी दिख नहीं रहा है, और पास में चलते हैं। मिल गया है देखने के लिए पाकिस्तान का झंडा, उधर देख सकते हो उतना दूर में, और इंडिया का झंडा इस स्टेडियम के उस तरफ है। कुछ ही देर में यहाँ पे परेड आरंभ होने वाला है। हम स्टेडियम में आ चुके हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी लोग तो बहुत कम दिख रहे हैं उस तरफ, लेकिन हिंदुस्तानी लोग बहुत ज़्यादा हैं यार।
आया, लेकिन अचानक से बारिश भी आ गया था बीच में, इस वजह से बारिश में भी हम लोग देख पाए। तो देखते हैं बाहर चल के हमारा पार्किंग में जो साइकिल है उसका क्या हुआ है। तो अभी भी बारिश थोड़ा हो ही रहा है, देख सकते हो सारे लोग जाने लगे हैं, सारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और बिल्कुल अभी इस तरह का यहाँ पर माहौल है, देख सकते हैं। तो चलिए बाहर, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ, अभी हम हिंदुस्तान में हैं, उसके और जो तार वाला बॉर्डर देख रहे हैं उसके उधर पाकिस्तान है। तो उधर देखिए, ये आपको यहीं पे है पास में, वहाँ पे ये बॉर्डर जो देख रहे हैं ना, इसके आगे पाकिस्तान है, इसके आगे हिंदुस्तान है। तो अभी हम बिल्कुल ही उसके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब में खड़े हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आ करके देखने का बहुत मज़ा आ रहा है। बॉर्डर को घूमने के बाद जब आप बाहर आएंगे, अभी जिस समय एंट्री करवा रहा होता उस समय तो कुछ इतना माहौल नहीं होता है, जब वहाँ से भीड़ ख़त्म हो जाता है, प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेला वेला टाइप का भी है, यहाँ पे लोग घूम भी सकते हैं, खाने का सारा सामान यहाँ पे आपको मिलने लगेगा जब आप वहाँ से रिटर्न आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ मिल रहा है, हालाँकि थोड़ा सा रेट ज़्यादा है, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार का माहौल है, ये देखिए इस तरह से बेचता है। अटारी बाघा बॉर्डर घूमने के बाद हम कुछ दूर चले और रुकने का जगह भी देखना था, तो अंधेरा हो गया था, 8 बज गया लगभग। तो इसी वाले गुरुद्वारे में आ गए जहाँ पिछला दिन रुके थे और यहीं पे स्टे कर रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे इन करते हैं, मिलते हैं कल। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जय हिंद ज़रूर से लिखिएगा। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, बाय।